हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के 15 उपाय। देखिए, भगवान श्री कृष्ण यदि प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाती है। मतलब आज कलयुग में अगर किसी को कुछ चाहिए तो बस माता लक्ष्मी का साथ चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कलयुग के आरंभ से लेकर आखिरी तक माँ लक्ष्मी का ही बोलाबाला रहेगा। जिसके पास जितनी लक्ष्मी रहेगी वो उतना ही शक्तिशाली होगा। श्री कृष्ण को धरती पर भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं जिससे कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मोह रात्रि भी कहा जाता है। मतलब जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है। इसलिए भी जन्माष्टमी की रात बेहद खास होती है क्योंकि कहा जाता है कि इस रात भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस पर भी होती है उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को खुश करने के लिए अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो उससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी। तो जब कृष्ण खुश तो माता लक्ष्मी भी खुश और ऑटोमेटिक भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। तो पहला उपाय, यदि आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो आप भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं और इस खीर में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अब दूसरा उपाय, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके राधे कृष्ण के मंदिर में जाएं और भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पण कीजिए। इससे धन संबंधित परेशानी दूर होती है और लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी कहा जाता है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के कपड़े, पीले अनाज, पीले फल और पीली मिठाई चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और यश की कमी नहीं रह जाती है। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को साबूदाने या फिर खीर का चावल चढ़ाएं, पर इतना ध्यान रखिए खीर में चीनी के बजाय मिश्री का प्रयोग करें और तुलसी दल तो ज़रूर डालिएगा। इससे श्री कृष्ण की कृपा से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं आती है। जन्माष्टमी के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीला अनाज दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, मैं आपको उपाय बहुत सारे बता रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी एक या दो कर सकते हैं, आपकी मनोकामना निश्चित तौर पे पूरी होगी। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर जन्माष्टमी के दिन सुबह के वक्त भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों के समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। यदि आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, प्रेम में सफलता चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं, मिश्री, शहद और इलायची का भोग लगाइए। निश्चित तौर पे आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। यदि आप प्रेम में असफल हो रहे हैं तो आपका प्रेम भी आपको मिलेगा। जन्माष्टमी के दिन यदि आप जो करें जो मैं बताने जा रहा हूँ तो आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी।
आप जन्माष्टमी के दिन घर में 7 कन्याओं को घर में बुलाकर उन्हें आप खीर खिलाइए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी, आपको रोजगार मिलेगा। जन्माष्टमी की रात 12 बजे, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय दूध में केसर मिलाकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। जन्माष्टमी के दिन शाम के वक्त तुलसी के सामने घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा कीजिए। इस उपाय से गृह कलेश दूर होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। यदि बहुत कोशिश कर रहे हैं, ना तो आपको व्यापार में सफलता मिल रही है, ना नौकरी में मन मुताबिक सफलता मिल रही है, तो जन्माष्टमी के दिन अपने घर में 7 कन्याओं को बुलाइए और उन्हें सफ़ेद मिठाई या खीर खिलाएं और साथ में उन्हें कुछ उपहार दें। पर इस उपाय को अगले 5 शुक्रवार तक लगातार कीजिएगा। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और नौकरी व्यापार में मनोवांछित सफलता मिलेगी। अगला उपाय, मंदिर में जटा वाला नारियल जो होता है, जो बनिए की दुकान पे मिलता है, मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी से लगातार 27 दिन तक कृष्ण के मंदिर में जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ाता है, उस व्यक्ति के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होने शुरू हो जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। यदि आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पानी वाला नारियल और केला अर्पित करते हैं तो आपको मनचाहा प्रेमी या प्रेमिका मिलती है और इसे मतलब पाने के लिए, मनचाहे प्रेमी या प्रेमिका को पाने के लिए आपको ओम क्लीम कृष्णाय गोपीचन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय गोपीचन वल्लभाय स्वाहा। राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने रोजाना इस मंत्र की 5 माला जाप कीजिए। इस उपाय से प्रेम विवाह और मनचाहा जीवन साथी पाने की जो इच्छा है वो डेफिनेटली पूरी होगी। तो मैंने आपको ये 15 उपाय बताए हैं और निश्चित तौर पर यदि आप इन्हें अमल में लाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं डेफिनेटली पूरी होगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।